हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल कमल एकेडमी कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखते हैं आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं। आइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट यूनिट 6 डिवीजन। आज हम आपको डिवीजन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो व्हाट इज डिवीजन? डिवीजन क्या होता है? डिवीजन मींस होता है किसी भी चीज को इक्वल रूप से डिवाइड करना। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक केक है, इस केक को हमें 4-2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इक्वल करेंगे तो हम कैसे करेंगे? 1/2 हो गया, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? 1/2 या हाफ। यानी एक ब्रेड है या केक है तो हमने इसका हाफ पार्ट ले लिया, हाफ पार्ट अपने फ्रेंड्स को दे दिया। ठीक है, अगर हम इसके 4 पार्ट करते हैं इक्वल, तो ये हो गया हमारा 1/4 पार्ट। यानी एक एक 1 1 1 1 ये होल में से, ये हमारा होल केक या होल ब्रेड है। यानी कोई भी चीज हो, इन शॉर्ट कि आप किसी भी चीज को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना डिवीजन कहलाता है, यानी डिवाइड कहलाता है। अब देखिए, यहाँ मैं आपको इसके कुछ स्टेप्स बताऊंगी। नंबर 1 स्टेप है हमारा डिवीजन ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, हमें डिवाइड करना है नंबर लाइन से। आप देखिए ये स्टेप 1। ठीक, स्टेप 1 आपका आएगा जैसे 3, ये 12 है और डिवाइडेड बाय 3। तो ये साइन होता है हमारा डिवाइड का। डिवाइड के हमारे दो साइन होते हैं, एक इस तरह का सिंबल होता है और एक हमारा ये वाला सिंबल होता है। दोनों हमारे डिवाइड के होते हैं, एक और होता है अपॉन वाला। ये अपॉन होता है यानी ऊपर डिजिट लिखी होती है बिग, जैसे ऊपर बड़ी लिखी है और नीचे छोटी लिखी है, तो हम 2 से डिवाइड इसको भी, 2 2 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमने 2 की टेबल को 4 में पढ़ा, तो जितने टाइम्स गई वो हमने ऊपर लिख दिया और हमारा आंसर आ गया 2। तो ये हमारे, ये जो मेन है हमारे जो डिवीजन के साइंस, ये हमारे 2 है। ठीक है, तो यहाँ हम आते हैं स्टेप 1 पे। स्टेप 1 में क्या करना है, ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट के द्वारा हमें 3 को 12 से डिवाइड करना है, यानी हमें 12 के पार्ट्स करने हैं 3 से। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे 3 को माइनस करेंगे 12 में से। अब हम 3 को 12 में से माइनस करते हैं, तो देखिए 1 2 3, क्लियर? 1 2 3। ठीक है, 12 से माइनस कर रहे हैं तो हमारा किस पे आ गया, ये 9 पे। ठीक, 9 से डिवाइड किया 6 पे, 6 से डिवाइड किया 3 पे, और 3 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया ये सीधे सीधे 1 0। ओके, तो ये हमारा कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, देखिए 1 यानी 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो ये हमारा कितनी बार में डिवाइड हुआ, 1 2 3 एंड 4, ये हमारा 4 टाइम्स में डिवाइड हुआ। तो इसी तरह अगर हम 3 की टेबल को डायरेक्ट अगर हम 12 में पढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, वो हमारा शॉर्ट मेथड होगा कि 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा सीधे डायरेक्ट आ जाएगा ये हमारा 4, कि हमने 3 की टेबल को 12 की टेबल में पढ़ा तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन लाइन सेगमेंट के द्वारा हम यहाँ से बैक करते हैं। ठीक है, तो जब हम बैक करते हैं तो 12 से 3 माइनस किया 9। ठीक है, 12 है, 12 में से देखिए 3 माइनस। ठीक है, तो 1 2 3, यानी हमने 12 इसको तो हटा ही दिया, 11 को भी हटा दिया, 10 को भी हटा दिया, तो हमारा नंबर किस पे आ गया, 9 पे आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम उतनी बार 3 को माइनस करते जाएंगे जब तक कि हमारा लास्ट आंसर 0 ना आ जाए। ये तो हो गया आपका स्टेप 1। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या कहता है, राइट डिवीजन फैक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे करके बताती हूँ आपको। जैसे हमारा है 15
डिवाइडेड बाय 15 को 3 से डिवाइड करना है, लेकिन हमें कौन सा लेना है यूज मेथड? डिवीजन फैक्ट। अब ये डिवीजन फैक्ट इज अ वेरी लॉन्ग मेथड, ये हमारे लाइन सिस्टम से भी ज्यादा लॉन्ग मेथड है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हमने यहाँ 15 लिखा, 15 में से हमने 3 माइनस किया, 5 में से 3 दिया 2 कैरी 1, फिर हमने 3 माइनस किया, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो हमने 12 में से 3 किया 9, सॉरी अब हमारा 9 में से 9 बच्चा 9 में से फिर 3 माइनस किया 6, फिर 6 में से 3 माइनस किया, फिर हमारा आंसर आया 3। फिर ठीक है यहाँ स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो। 3 अब हमने 3 में से फिर 3 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 0। ठीक है ये हमारा आंसर आया 0। सबको समझ में आ रहा है, यानी जब तक हम इसको, अब देखिए कितने स्टेप यूज किया हमने, 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है अब मान लीजिए मुझे और शॉर्ट दे देती हूँ, वो वाला समझाती हूँ आपको, 12 में से 3 को डिवाइड करना है डिवीजन फैक्ट में। ये तो लाइन सीजमेंट मेथड था, ये हमारा था डिवीजन फैक्ट मेथड। अब जैसे 12 में से 3 को माइनस करना है तो 12 में से 3 गया 9, 9 में से 3 6, 6 में से 3 3 एंड 3 में से 3 0। क्लियर? तो 1, 2, 3 and 4 ये आपका आंसर कितना आ गया हमारा, कितने टाइम्स गया ये हमारा 4 टाइम्स, करेक्ट 1, 2, 3, 4। यहाँ भी आंसर हमारा 4 आ रहा था लाइन सीजमेंट से, अगर हम डिवीजन फैक्ट से हम किसी भी सम को ले सकते हैं, यहाँ पे हम 25 लिख सकते हैं, 99 लिख सकते हैं, कोई भी हमारी डिजिट हो सकती है, तो डिवीजन फैक्ट हमारा बहुत लॉन्ग जाएगा, ये तो छोटी सी डिजिट थी, ठीक है तो 5 टाइम्स में आ गया, लेकिन कभी कभी हमारा बहुत बड़ी डिजिट होती है तो ये हमारा वे जो है ये हमारा इतना यूज में नहीं आता। डिवीजन फैक्ट आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। तो आपको नंबर लाइंस एंड डिवीजन फैक्ट्स आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है अब इसके अलावा मैं आपको सिखाती हूँ स्टेप 3। ओके जो मेन हम लोगों का यूज में आता है वो स्टेप कौन सा होता है, ठीक है जो कि मेन डिवीजन होते हैं और आप क्लास सेकंड में आप लोग सीख कर दिए थे। मेन डिवीजन होते हैं हमारे, जैसे एक आपको बताती हूँ स्टार्टिंग में आपको 4 की टेबल से। ओके अब ये 4 को मुझे डिवाइड करना है 28। क्लियर? अब जो मेरा मेन डिवाइजर है वो क्या है, ये बाहर वाला जो 4 है ये हमारा क्या है, डिवीजर। क्या है? डिवीजर। डिवीजर हमारा कितना है 4। अंदर का जो होता है ये हमारा होता है डिविडेंड। डिविडेंड, डिविडेंड क्या है हमारा 28। ओके अब हमें क्या पता करना है इसका, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। आपके पास क्वेश्चन आता है फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, क्वेश्चन पता करिए, यानी ऊपर जो आएगा मेन आंसर वो क्वेश्चन होगा और जो नीचे आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है अब हमारा ये आता है 4। 4 की टेबल सबसे पहले कोशिश करेंगे 2 में पढ़ें। ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा ये बिगर है एंड ये स्मॉलर है, टेबल आ ही नहीं सकती क्योंकि 4 बनजा 4 होता है और 2 इज स्मॉलर देन 4। तो हम क्या करेंगे 2 की 4 की टेबल को इन दोनों में पढ़ेंगे। तो 4 की कितनी बार गई, 4 7 28। ठीक है 4 7 28। अब हमने 8 में से 8 को माइनस किया 0, 2 में से 2 को किया 0। हमारा क्वेश्चन QUOTIENT क्वेश्चन कितना आया हमारा 7 एंड हमारा रिमाइंडर कितना आया, में रिमाइंडर हमारा आया 0। ओके क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म QU भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर को हम आर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हुआ वेरी इजी एंड शॉर्ट मेथड। अब मैं थोड़ा सा आपको एक और लॉन्ग सिखाती हूँ इसी में। अब हम थोड़ा सा बड़े लेवल पे आते हैं। ठीक है अब मेरे को करना है 6 की टेबल। ओके अब ये 6 की टेबल मुझे देनी है 600 की टेबल देनी है 324।
तो हम इसको शॉर्ट में किस तरह करेंगे, डिवीजर है हमारा 6 और डिविडेंड में भी डी आई शॉर्ट, वो तो मैंने आपको सिखाने के लिए करा था 3 to 4। अब हमें क्या पता करना है इसका, क्यू यू एंड आर। ठीक है, और बिल्कुल शॉर्ट मेथड पे आते हैं, जो हमारा मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा कावर आने वाला है उस अकॉर्डिंग आपको सम्स बताते हैं। अब 6 की टेबल 3 में तो नहीं जाएगी बिकॉज 3 इज स्मॉल, तो 6 की टेबल हमने 32 में पढ़ी, अभी लास्ट वाले को रहने दो क्योंकि ये 100 से है। तो 6 की टेबल हमने यहाँ पे पढ़ी सबसे पहले 3 में, तो 6 की टेबल को जब हमने 3 में पढ़ा तो नहीं जाएगी 32 में जाएगी, 6 5 30। क्लियर, 6 5 30। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, 2 का 2 और 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं बचा। ओके, अब हमें ये 4 है, ये 4 बचा है, 4 को हमने ऐसे एरो लगा के यहाँ पे नीचे लिख लिया। अब 6 की टेबल 2 में नहीं जाएगी तो हमने 24 पे, 6 4 जा 24 में से 24 किया तो माइनस। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, अब ये देखिए ये हमारा आया क्वेश्चन कितना आया 54 एंड रिमाइंडर आया 0, डिवाइजर था 6, डिविडेंड था 324, क्वेश्चन हमारा आया 54 एंड रिमाइंडर हमारा आया 0। लेकिन अब हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि हमारा आंसर वही आ जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्यू यू को क्यू यू मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, ओके, प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला है, क्यू यू मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, जो बाहर है इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड जो भी हमारा डिविडेंड होता है अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा डिविडेंड मिल जाता है। ठीक है, इक्वल टू आता है हमारा डिविडेंड, हमें डिविडेंड खुद मिल जाता है अपने वेरिफिकेशन के लिए कि हमने सम कैसा किया है। ठीक है, अब हमारा देखिए कैसे होगा, 54 है इसको हमने मल्टीप्लाई किया 6 से, ओके, और प्लस करना है हमें रिमाइंडर, तो डिवाइजर हमारा हो गया मल्टीप्लाई किससे, क्वेश्चन से, तो 6 4 जा 24 था 4, कैरी आया 2, 6 5 जा 30 और 2 32। अब प्लस क्या है, 0 है, तो 0 का तो कोई वही नहीं होगा, तो हमारा आंसर कितना रहा, आंसर हमारा क्लियर हो गया 324, आवर सम इज राइट। आई होप ऑल यू विल अंडरस्टैंड, आप सबको यूनिट 6 3 स्टेप्स मैंने बताया आपको, एक तो ये हो गया हमारा फाइंड द क्वेश्चन टाइम, जो सबसे पहले से कहते हैं लाइन सीजमेंट, कि लाइन सीजमेंट के द्वारा हम जितनी बार हम उसको माइनस करते जाएंगे उतने लिखते जाएंगे, लेकिन वो बहुत लॉन्ग मेथड है। एंड डिवीजन फैक्ट्स वाला जो बताया था कि मान लीजिए अगर आपको आ गया 28 में से 28 डिवाइडेड बाई 4, तो उतनी बार 4 को माइनस करते जाओ जब तक कि आपका 0 नहीं आ जाए, तो ये भी हमारा लॉन्ग मेथड था। लेकिन थर्ड मेथड हमारा फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, तो फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर में मैंने आपको 2 डिजिट भी एंड 3 डिजिट के भी डिविजन अच्छी तरह से समझा दिए हैं और सब समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए आप लोग, तो ठीक है, अब आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।